हेलो स्टूडेंट्स हम लोग फ्री फॉल कर रहे थे और फ्री फॉल में मैंने बताया था कि तीन केसेस होते हैं एक केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने सिंपली ड्रॉप कर दिया ड्रॉप करने का मतलब है आपने उसकी जीरो वेलोसिटी रखी है ड्रॉप और थ्रो में डिफरेंस होता है ड्रॉप मतलब विदाउट गिविंग एनी विलॉसटी थ्रो करने का मतलब चाहे अपॉड हो चाहे डाउनलोड विथ समस्टी प्रोजेक्ट करना तो एक कराया था ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट दूसरा मैंने लास्ट वीडियो में कराया था जहां पे आपने ग्राउंड से थ्रो किया और

प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ना तो ग्राउंड से फेंका जा रहा है ना तो किसी हाइट से सिंपली ड्रॉप कर दिया जा रहा जब उनको क्वेश्चन मिलते हैं एल के मॉड्यूल में फिट जी के मॉड्यूल में आकाश के मॉड्यूल में ग्राउंड और फेंका गया था पहले ऊपर ऊपर गया फिर घूम फिर के ग्राउंड पे आया तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गबड़िया करते ही करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहली बात जब भी ऐसा आपको सिनेरियो मिले कि ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन फ्रॉम सम हाइट आप उसका फिगर बनाओ फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का सबसे जनरल तरीका ही होता है आप फिगर बनाओ फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का सबसे जनरल तरीका सबसे पहला तरीका होता है कि आप फिगर बनाने से स्टार्ट करो तो हमने बनाया भैया फिगर ये हमने बनाया एक हाइट जिस हाइट से हम लोग को, को, को तो रही एक बिल्डिंग की हाइट एच और यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है अब ये अपवर्ड है जैसे ही इसको फेंकोगे अपवर्ड डायरेक्शन एक्सलेशन लगेगा डाउनवर्ड तो रिटार्ड होने लगेगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पहले स्पीड घटती है तो घटते घटते यहां तक जीरो होगी मैक्सिमम हाइट तक फिर उसके बाद स्पीड बढ़ने भी लगती है क्यों क्योंकि जब नीचे आने लगेगा तो विलोस्टी भी नीचे और एक्सलेशन भी नीचे दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो स्पीड बढ़ने लगेगी तो पहले स्पीड घटी फिर स्पीड बढ़ी हो बढ़ते बढ़ते फिर वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया अब देखिए ये जो पूरा मोशन हुआ इसमें भी भी और डिसेंट भी और डिसेंट सिमिलर नहीं है इतना है खाली डिसेंट ज्यादा है पूरा इतना तो ये जो मोशन हुआ हमको इसमें डिस्टेंस से कत ही लेना देना नहीं कि ऊपर कितना गया नीचे कितना आया हमको जब हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाते हैं उसमें जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो एस होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट देखिए ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन है ये फाइनल पोजिशन है तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसके और इसके इस पॉइंट के बीच का गैप तो इसके और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो तो सिंपली एच ही तो है एक गैप सिंपली क्या है एच अब हम साइन कन्वेंशन ले, ले लेते हैं तो मान लिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो यू को हम लोग लेंगे प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है जी उसको हमने ले लिया माइनस तो जी को हम लोग एक्सिलेशन के यहाँ पे लेंगे माइनस बाकी फ्री फॉल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट में हमको ऊपर जाके फिर नीचे आया तो जोड़ना नहीं है सिंपली डिस्प्लेसमेंट बिल्डिंग की हाइट ले लेनी है बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर आया क्या मतलब पहले ऊपर जाके नीचे आया उसे सीधे नीचे आओ डिस्प्लेसमेंट एच है वो तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का है तो माइनस एच है तो ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका आप लिखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस स्क्वायर यूटी प्लस में एस की जगह लिखो माइनस एच जो तो लिखोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव एच

अभी बोलना आसान है बट करते वक्त जो लोगों को नानी याद आती है तो उसमें ट्वेंटी मीटर, मीटर पर सेकेंड से अपआउड प्रोजेक्ट कर दिया गया बताना है की कि ग्राउंड कितनी देर में आएगा ग्राउंड कितनी देर में पहुंचेगा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है तो मैंने लिखा एस क्या बोलेंगे माइनस एट्टी यू टी यू में क्या रखेंगे ट्वेंटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर में एक एक 10. क्या रखेंगे माइनस टेन क्या एक्वाडिटिकॉर्डिटी अरेंज कर लो ए स्क्सर में कर लिया अब टी की वैल्यू सीधा चार से निकाली माइनस बी प्लस ए सी बाई टू ये सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल सोल्व कर लिया सोल्व करने के बाद कितना आया टू प्लस अंडर रूड ट्वेंटी यही आंसर हो गया अभी कितना सेकंड आएगा टू प्लस अंडर रूड ट्वेंटी अंडरवूड ट्वेंटी की वैल्यू चार से पांच सेकंड के बीच में होगी मान लीजिए साढ़े चार के आसपास मान लीजिए मुझे नहीं पता निकाला पड़ेगा जो भी है 4.4 4.5 के आसपास उसमें 2 आप जोड़ देंगे तो करीब आ जाएगा 6.4 6.5 सेकंड के आसपास और आगे बढ़ते हैं मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है उसी हाइट से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड थ्रो किया होता ये u डाउनवर्ड होता तो क्या करते है? सेम क्वेश्चन मैंने बताया तो अब बताइए u डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव a वैसे ही नेगेटिव और s भी नेगेटिव तो s ut 1/2 at2 में देखिए s at आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे प्लस एटी लिखा मैं बताऊंगा क्या रीजन है यू यह माइनस ट्वेंटी देखिए यहाँ पे भी माइनस नहीं लिखा और हाफ एटी स्क्टू टेन फाइव ये भी माइनस अब जब सारे इक्वेशन के टर्म माइनस आ रहे हैं तो माइनस माइनस सारे कट जाएंगे तो सब प्लस हो गए आप ऐसे भी कर सकते कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब पॉजिटिव मान लो तो एस भी पॉजिटिव यू भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव अब इसी इक्वेशन सीधा चार को दोबारा सॉल्व कर लो तो देखिए इस बार आंसर आया अंडरवुड ट्वेंटी माइनस टू और ये देखिए नीचे जब डाउनवर्ड फेंगे बिल्कुल सीधे नीचे फेंक देंगे तो ऑब्वियसली पहले से तो कम ही टाइम में आएगा

आपका ये आएगा सिक्स पॉइंट फोर सिक्स के आसपास की तरफ थ्रो करके फेंको तो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा अंडर रूट तो देखिए मीटर से ड्रॉप करने वाला क्वेश्चन भी हो गया अपवर्ड थ्रो वाला भी हो गया डाउनवर्ड थ्रो भी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का जनरल तरीका भी हो गया एस इज टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाना होता है और इसमें आपको एस इज इक्ल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते वक्त साइन कन्वेंशन रखना होता है उसी से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा निकलता है चाहे आप ड्रॉप करो चाहे अपवर्ड थ्रो करो चाहे डाउनवर्ड इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें आपको फिजिक्स में जाननी हो टिप्स और ट्रिक्स तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको इस तरह के और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ चीजें मिलती रहेंगी थैंक यू